विराट कोहली ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान मजबूत किया और साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा रेटिंग अंक हासिल करने के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर खबरों के मुताबिक फ़ोन पर अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को बधाई दी है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी गेंदबाजों की रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और 27 पायदान के फायदे से वह मिशेल स्टार्क, इमरान ताहिर और शीर्ष पर चल रहे जॉर्ज हेजलवुड के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गए। ताज़ा रैंकिंग भारत के वनडे सीरीज में मेज़बान श्रीलंका पर 5-0 से वाइट वॉश के एक दिन बाद सोमवार को जारी हुई है। कोहली सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने 2 सैकड़े जड़कर 30 वनडे शतक पूरे किए। कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी शीर्ष रैंक पर काबिज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर पर बढ़त 12 से बढ़ाकर 26 अंक की कर ली और अब उनके 887 अंक हैं। इससे उन्होंने भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे रेटिंग अंक के तेंदुलकर के 1998 में बनाए रिकॉर्ड की बराबरी की है। रोहित शर्मा सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने कुल 302 रन जोड़े। उन्होंने और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने इस तरह शीर्ष 10 में वापसी की। शर्मा ने श्रीलंका में 2 शतक जड़े थे जिससे उन्हें 5 पायदान का फायदा मिला और वह 9वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि धोनी के 162 रन ने उन्हें 2 पायदान का फायदा कराया और वह 10वें स्थान पर पहुंच गए। इस बीच बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 4वां स्थान हासिल करने में सफल रहे। 23 वर्षीय बुमराह की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग इस साल जून में 24वां स्थान थी। वह 15 विकेट झटकने से प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रयास में तालिका में इनकी लंबी छलांग लगाने में कामयाब रहे, जो श्रीलंका के द्विपक्षीय सीरीज में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उनके प्रदर्शन में प्ले के लिए में तीसरे वनडे के दौरान हासिल किया गया। करियर का सर्वश्रेष्ठ 27 रन देकर 5 विकेट का प्रदर्शन भी शामिल है। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।